तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से यार टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले एनसीसी लिमिटेड। इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 5 रुपए 10 पैसे की तेजी देखने को मिली है और ये स्टॉक 2% से भी ऊपर की तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक करंट लेवल पर 247 रुपए 30 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक आज के दिन ओपन होता है 243 रुपए 30 पैसे पर। स्टॉक हाई लगाता है 247 रुपए 50 पैसे का और आज के दिन का स्टॉक का लो है 238 रुपए 90 पैसे। अपने लो से देखें तो स्टॉक में लगभग 10 रुपए की रिकवरी देखने को मिल रही है और स्टॉक करंट लेवल पर 247 रुपए के करीबन ट्रेड कर रहा है। स्टॉक के अंदर वॉल्यूम की बात करें, नंबर ऑफ शेयर में, तो लगभग 3,21,178 क्वेरेंटी बायर्स के नंबर है। तो वहीं पर सेल्स क्वेरेंटी देखें तो लगभग 7,64,223 क्वेरेंटी है। तो बायर्स के मुकाबले सेलर्स के नंबर काफी ज्यादा है। ट्रेड वॉल्यूम की बात करें, नंबर ऑफ शेयर्स में, तो लगभग 26,80,000 क्वेडेंटी देखने को मिल रही है। तो स्टॉक के अंदर वॉल्यूम देखें तो काफी बड़ी मात्रा में, साथ के साथ स्टॉक के प्राइस में भी एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल रहा है, जिसका सीधा साफ संकेत है कि यहां से स्टॉक के अंदर एक तेजी का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक के अंदर ऊपर में एक टॉप बना 277 रुपीज का, 277 रुपीज का इस पॉइंट पर स्टॉक ने एक टॉप बनाया। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक मेजर गिरावट देखने को मिली, जहां पर स्टॉक ने नीचे में 238 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट करता है और यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेवल बनाकर स्टॉक के अंदर एक रिवर्सल ट्रेंड बनता हुआ नजर आता है, जहां पर स्टॉक के अंदर ऊपर एक रुकावट रेंज है 253 रुपीज। 253 रुपीज देखिए तो स्टॉक ने शॉर्ट टर्म में इस प्राइस को रीटेस्ट करता है। ऊपरी लेवल पर स्टॉक के अंदर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलती है, जहां पर स्टॉक नीचे में 238 रुपीज के प्राइस, आज के दिन भी स्टॉक ने इस प्राइस को रीटेस्ट किया है। एक लोअर सर्किट लगाकर स्टॉक में निचले लेवल पर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहेगा। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 238 रुपीज का इस पॉइंट पर एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रखें और ऊपर के टारगेट अराउंड 275 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब भी देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 253 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बना लेता है। जब तक स्टॉक इस प्राइस से नीचे है, स्टॉक के अंदर ऊपरी लेवल पर एक मुनाफा वसूली देखने को मिलेगी और इस बात का खास ध्यान रखें कि स्टॉक अगर नीचे में 238 रुपीज के प्राइस को ब्रेक डाउन देता है और नीचे क्लोजिंग लेता है तो स्टॉक नीचे में 215 रुपीज के प्राइस को रिटेस्ट कर सकता है। इसलिए अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस के साथ ही पोजीशन लें, लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बनाएं, वहां पर एक अच्छा रिटर्न्स बनता हुआ नजर आएगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।